गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग ब्लॉग स्टार्ट करने वाले थे। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो स्पेसिफिकली लॉगरिथम। चलो तो लॉगरिथम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक फंडा समझते हैं कि लॉग का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो ये 2 रेस्ट टू द पावर 3 इज इक्वल टू, आपके पास 2 रेस्ट टू द पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 2 रेस्ट टू द पावर 3 की वैल्यू होती है 8। सिमिलरली यू कैन राइट इट लाइक 2 इज इक्वल टू 8 रेस्ट टू द पावर 1 बाय 3। ठीक है, तो 8 3 और 2 8 2 और 8 2 और 3 में ये एक रिलेशन ये लिख ली मैंने, एक रिलेशन ये लिख दी। इनफैक्ट यहां पे मैंने क्या किया, मैंने 8 को 2 और 3 के टर्म में लिख दिया, यहां पे मैंने 2 को 8 और 3 के टर्म में लिख दिया। अब अगर मेरे को सिमिलर 3 को 8 और 2 के टर्म में लिखना है तो यहां पे आता है लॉग का यूज। इसको हम लोग लिखते हैं लॉग ऑफ 8 बेस 2। इसको हम लिखते हैं लॉग ऑफ 8 बेस 2। अब ये लॉग का मतलब क्या होता है और लॉग क्या होता है ये बात कर लेते हैं। तो अगर मैंने ये लिखा हुआ है लॉग ऑफ 8 बेस 2, इसको लिख रहे हैं तो इसमें आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि जैसे जो आपको आपकी कॉपी है या जो आप लिख रहे हो जिसपे ये बेस है आपका, 8 भी इस पे लिखा हुआ है, लॉग भी इस पे लिखा हुआ है और 2 जो है वो नीचे आया हुआ है। 2 जो है उसको हमने नीचे लिखा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, और इसको हम लोग बोल रहे हैं जिसका हम लोग लॉग ले रहे हैं, वी आर टेकिंग लॉग ऑफ 8 विथ रेस्पेक्ट टू 2 और यू कैन से विथ बेस 2। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग लॉगरिथम लॉगरिथम ऑफ 8 बेस 2। ये पावर नहीं है, कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि इसको पावर में लिख देते हैं इसके, नहीं भाई ये लॉग 8 है बेस में 2 है। लाइक दिस के लॉग ऑफ ए बेस इज बी। ठीक है, तो लॉगरिथम ऑफ ए बेस बी इसको पढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉग को लिखते कैसे हैं और लॉग पढ़ते कैसे हैं। अब इसको यूज कैसे करते हैं, तो ये सिंपल सा फंडा ये है, जैसे कि आपने ये वाली रिलेशन यहां पे मैंने दिखाई आपको कि हम लोगों ने लिखा लॉग ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, सो देयरफॉर यू कैन राइट इट लाइक 8 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 3। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट लॉग, दिस हाउ वी रिमूव लॉग एक्चुअली, कि लॉग 8 बेस 2 अगर लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू 3, तो इसमें से अगर लॉग को अलग हटाना है और नॉर्मल एलजेब्रा में लिखना है तो व्हाट वी कैन राइट इट लाइक 8 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 3, जो हमने यहाँ पे भी ये वाली रिलेशन लिखी हुई थी। ठीक है, तो इससे हमने ये वाला कन्वर्ट किया, हमने लॉग को रिमूव किया। तो अब एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल टू सी लिखा हुआ है, देन इन दैट केस ए मस्ट बी इक्वल टू बी रेस्ट टू द पावर सी होने वाला है। ये लॉग की डेफिनेशन होती है, ये क्या होती है, ये लॉग की डेफिनेशन होती है कि लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी है। इट मीन्स, इट मीन्स ए इज इक्वल टू बी रेस्ट टू द पावर सी। तो अगर इफ यू टॉक अबाउट द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, इसके आगे और बताऊंगा। जैसे कि मान लो आपसे किसी ने पूछा कि मुझे ऐसा करो, आप लॉग ऑफ
बेस थ्री की वैल्यू निकाल के दो। तो आप बोलोगे कि ठीक है निकालते हैं अपन, और लॉग 20 बेस 3 की वैल्यू लॉग ऑफ 27 बेस 3 इज इक्वल टू, अगर मैं एक्स ले लेता हूं देन 27 इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 3 रेस टू द पावर x होने वाला है। ये आपको याद रखना है, ये लॉग की डेफिनेशन होती है बेटा, कि लॉग 27 बेस 3 इक्वल टू x है, इट मींस 27 इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर x है। अब इसके बाद में एकदम बेसिक आ जाएगा कि 3 रेस टू द पावर 3 इज इक्वल टू 3 रेस टू द पावर x आएगा, एंड दैट्स वाई यू कैन कंपेयर दिस 3 एंड यू कैन कंपेयर विथ दिस x, एंड देयर फोर यू कैन कंक्लूड कि x की वैल्यू आपके पास 3 हो जाएगी, और एक्स आपके पास 3 आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई लॉग ऑफ 27 बेस 3 इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आने वाली है इसकी, 3। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी वही फंडे से, कि यहां से जो आपने यहाँ पे फंडा यूज किया है, ये वाला जो आपने फंडा यूज किया है, ये आपने बेसिक लॉग की डेफिनेशन को यूज किया है, कि लॉग अगर लिखा हुआ है तो लॉग की डेफिनेशन आपके पास ये होने वाली है। इतना नोट करो, एक दो क्वेश्चन करते हैं। देखो लॉग में ऐसे कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है लॉग का, कि ऐसे कोई डेफिनेशन है लॉग की। लॉग की जो डेफिनेशन है प्योरली मैथमेटिकल है, जो मैंने लिख के रखी हुई है, ठीक है। यूज आता है इसका, अपना एक यूज है, कैलकुलेशन को इजी बनाता है लॉग, इसीलिए हम लोग लॉग को यूज करते हैं, कि जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं उसको इजी बनाने के लिए क्या करें, तो हम बोलते हैं चलो ठीक है एक नई चीज इन्वेंट कर देते हैं, तो लॉगरिथम इन्वेंट कर दिया, ठीक है। तो लॉगरिथम ने कुछ नहीं किया, लॉगरिथम ने बस क्या किया है, कैलकुलेशंस को इजी कर दिया है। अब वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो थोड़े बाद में समझ में आएगा जब अपन क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक क्वेश्चन से उठ के, तो आपको उसका यूज पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करो, विच इज दिस। और एक क्वेश्चन मुझे यहां एक और करके बता दो, लॉग ऑफ 2 बेस 64, लॉग 2 बेस 64। इसी लॉजिक से सॉल्व करना, जिस लॉजिक से मैंने आपको जो डेफिनेशन है लॉग के, उसी लॉजिक से सॉल्व करना अभी। तो आप मान लोगे कि चलो इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ दिस मज बी इक्वल टू वाई, मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मेरा लॉग बोलता है कि 2 इज इक्वल टू 64 रेस्ट टू द पावर y होना कंपलसरी है, अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे लॉग को रिमूव किया तो, ठीक है। सो आप बोलोगे 2 इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर 6 द होल रेस्ट टू द पावर y होना जरूरी है, एंड देयर फोर यू कैन से दैट कि 2 रेस्ट टू द पावर 1 which is 2 is equal to 2 raised to the power 6y, and therefore you can say ke 6y is equal to 1 aa jayega, and therefore y must be equal to 1 by 6, and therefore log 2 base 64 ki value kitni ho gayi, 1 by 6। to ye bas definition apply kari hai aapne, ठीक है, डायरेक्ट डेफिनेशन अप्लाई करी और कुछ भी नहीं करा, और थोड़ा सा आपने पावर को कंपेयर करके आंसर लिखे। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो तो आई होप ये आपने पूरा लिख ही लिया होगा साथ में मेरे, कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं यहाँ पे।
लिख लो, इसको लिख लो पहले।
एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल नाउ? ओके फाइन. पता नहीं यार बीच में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा. चलो चलो, तो ये वाला पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, कैसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं, इक्वल टू वाई ले लेते हैं सपोज. सो देयर फोर 3√3 इज इक्वल टू 81 रेस्ट टू द पावर वाई हो जाएगा. 3 रेस्ट टू द पावर 1 इंटू 3 रेस्ट टू द पावर 1/2 हो जाएगा ये, और ये 3 रेस्ट टू द पावर 4 रेस्ट टू द पावर y हो जाएगा. एंड देयर फोर 3 रेस्ट टू द पावर 1 + 1/2 हो जाएगा. एंड दिस इज 3 रेस्ट टू द पावर 4 y हो जाएगा. 3 रेस्ट टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 3 रेस्ट टू द पावर 4 by 4 y, सॉरी 4 y. एंड देयर फोर 4 y इज इक्वल टू 3/2, वाई इज इक्वल टू 3/8. दैट्स योर आंसर. आया समझ में? बेसिक आपको फंडा सॉल्व करना है मैथ्स का. ये 3√3 है, 3 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. 81 है, 3 की पावर में कन्वर्ट हो जाएगा. बस अब थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है और इस तरीके से इनको इक्वेट करना है. बस y की वैल्यू आ जाएगी 3/8. y इज इक्वल टू दिस, तो log 3√3/81 है इज 3/8. बेसिक कैलकुलेशन है बेटा, ठीक है. अब इसमें गलती मत करना. मान लो इज इक्वल टू मैं a ले लेता हूं, सो मेरे पास आ जाएगा 0.000001 इज इक्वल टू 0.01 की पावर a. अब इसको आप लोग लिख सकते हो 10 की पावर -2, और इसको लिख सकते हो आप 10 की पावर -6, करेक्ट. सो देयर फोर दिस इज 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 10 की पावर -2 a. एंड देयर फोर -2 a इज इक्वल टू -6, कंपेयरिंग द पावर a इज इक्वल टू 3. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी उसकी? 3 आ जाएगी. तो सिर्फ आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और कुछ भी नहीं है. अब अगर इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, मतलब बेसिक मैथ्स में अपन गलती कर रहे हैं बेटा. जैसे इसमें किसी में भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ता हूं. आगे बढ़ने के पहले कुछ बेसिक चीज बता देता हूं, ये लिख लो पहले. चलो बढ़ते हैं आगे. अब देखो, कभी भी आपको ये लॉग डिफाइन किया हुआ है ना, लॉग ऑफ ए बेस बी अगर आपको लिखा हुआ है, लॉगरिथम हार्ड नहीं है बेटा, बेसिक आने के बाद में कोई टफ नहीं है. लॉग ए बेस बी लिखा हुआ है ना, तो देर आर फ्यू कंस्ट्रेन इन विच लॉग इज डिफाइंड. जैसे कि हम क्या बोलते थे, हम बोलते थे ना कि अंडर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है मैंने, तो हम क्या बोलते थे, हम ये बोलते थे कि भाई ये जो एक्स जो भी है ना, रियल नंबर के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना कंपलसरी होता है. दिस इज कंपलसरी, राइट? एम आई नॉट ऑडिबल अगेन, और इज इट ओनली अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज फेसिंग द इश्यूज? आई एम ऑडिबल और नॉट ऑडिबल? ओके फाइन फाइन. अरे भाई ये जो वैल्यू लिख के रखी हुई है, ये वैल्यू मैंने इमेजिन करी है, मैंने मान लिया कि भाई इसको एक्स मान ले,
तो एक्स में क्या सॉल्व करने में इजी रहती है, और कुछ नहीं है, और थोड़ी ना है, कोई देखे थोड़ी रखा, मेरी मर्जी में वाई मान लू, मेरी मर्जी में ए मान लू, मेरी मर्जी में मेरा नाम मान लू, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो लॉग ए बेस बी भी अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं तो भाई ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी में ए और बी की कुछ भी वैल्यू ले लूं। इसके लिए कंस्ट्रेंट ये होता है दोस्तों कि जो जिसका लॉग लेके रखा हुआ है ना, जिसका लॉग लेके रखा हुआ है वो ए क्वांटिटी है, राइट। मैंने किसका लॉग लेके रखा हुआ है, मैंने ए का लॉग लेके रखा हुआ है। तो ये जो ए है ना, ये हमेशा बेटा ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। आई के नॉट टेक द लॉग ऑफ अ नेगेटिव टर्म, किसी भी नेगेटिव टर्म का लॉग मैं नहीं ले सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो बेस बी है भाई, ये बेस बी जो है ये बी भी जीरो से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो लॉग को हमने डिफाइन किया हुआ है, लॉग को डिफाइन करने में कुछ तो कंस्ट्रेन होती हैं, है ना, क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन होती है, जो कि हमारे पास ये होती है कि लॉग ऑफ ए बेस बी इज इक्वल टू सी दे के रखा हुआ है, देन ए इज इक्वल टू बी की पावर सी होना कंपल्सरी है। अगर ये दे के रखा हुआ है तो ये होना कंपल्सरी है, और अगर ये देके रखा हुआ है तो ये होना भी कंपलसरी है, ठीक है। तो ये आपस में कन्वर्टेबल हैं दोनों के दोनों। अब ये कन्वर्जन के लिए कुछ कंस्ट्रेन होती हैं कि हमेशा मैं कोई चीज को डिफाइन नहीं कर सकता हूं। जैसे आपने साइन थीटा टेन थीटा भी देखा था, तो टेन थीटा हमेशा डिफाइन नहीं होता था, उसकी अपनी खुद की कंस्ट्रेन होती थी कि भाई 90 डिग्री पे वो डिफाइन नहीं होने वाला। सिमिलरली ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, एंड एक और कंस्ट्रेंट आती है कि बी शुड नॉट बी इक्वल टू वन, बी भी भाई वन के बराबर नहीं होगा। तो अंडर दिस कंडीशन ओनली द लॉगरिथम इज डिफाइन, अदरवाइज द लॉगरिथम इज नॉट डिफाइन। तो कभी भी अगर आपको लॉग मिला है, लॉग ए बेस बी आपको दिया गया है, तो लॉग ए बेस बी के लिए कंपल्शन यही है कि जिसका लॉग लेके रखा हुआ है वो भी जीरो से बड़ा है, जो बेस है वो भी जीरो से बड़ी है, और जो बेस है वो वन के बराबर नहीं हो सकती है। बेटा रीजन मैंने दिया ही कहा, आप मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या बोला, मैंने ये पता है क्या होता है, मैंने सिर्फ ये बताया है कि लॉग किस कंडीशन में डिफाइन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये अभी मैंने नहीं बताया, ठीक है। अब देखो रीजन बहुत सिंपल से अगर अपन समझने की कोशिश करें तो, जैसे कि अगर मान लो मैंने ये बी को वन पुट कर दिया, अगर मैंने ये बी को वन ले लिया, तो ये बी को मैंने वन ले लिया, अब वन की पावर तो आप कुछ भी डाल दो बेटा, वन की पावर आप कुछ भी डाल दो, हमेशा वन ही रिजल्ट मिलेगा। तो आप इसमें ए की जगह अगर कोई भी वैल्यू अगर आप डालने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं डाल सकते हो। अगर बी को आपने वन डाला तो ए को वन डालना कंपलसरी हो जाएगा, आपके पास वो फ्रीडम दूर हो जाएगी जिसके लिए लॉग को हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे अगर मैं लॉग की बात करूं तो जैसे लॉग ऑफ 8 बेस 2 डिफाइन कर दूंगा, लॉग ऑफ 3 बेस 2 डिफाइन कर दूंगा, लॉग ऑफ 10 बेस 2 डिफाइन कर दूंगा, ये इनफाइनाइट डिफरेंट बेस 2 के लिए डिफाइन करते। अब भाई साहब, अब अगर मैंने यहाँ पे वन ही ले लिया, सिर्फ यहाँ पे अगर वन ही ले लिया तो कोई मतलब ही नहीं बचा ना, क्योंकि वन की पावर तो कुछ भी ले लूं यहाँ पे, मतलब मैं कोई भी नंबर को, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई थी कि ये जो 8 और 2 और 3 के बीच में ये जो रिलेशन है, या किसी भी 3 नंबर के बीच में ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन में लिख ही नहीं पाऊंगा हर अगर मैंने यहाँ पे वन डाल दिया तो डेफिनेटली इट डजंट मेक एनी सेंस इफ आई एम पुटिंग बी इज इक्वल टू वन। सिमिलरली अगर बी पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव की पावर भी जो होती है ना बेटा, ये नेगेटिव की पावर भी हमारे साथ बहुत फाइट देती है। आप बोलोगे कि सर -2 की पावर 1 डिफाइन है, -2 की पावर 1/2 नहीं डिफाइन है, -2 की पावर 1/4 डिफाइन नहीं है, तो हम कहां तक इस चीज को मैनेज करते चलेंगे? -2 की पावर 2 डिफाइन है, तो कौन सी चीज डिफाइन होगी, कौन सी चीज डिफाइन नहीं होगी, इसको हम कब तक मैनेज करते रहेंगे? तो इसीलिए हम ये वाली जो बेस है, ये बेस को भी हम नेगेटिव नहीं लेंगे। फिर यहां पे अब आप देखोगे वापस से, ये वाली जो बी की पावर सी है इक्वल टू ए है, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी पॉजिटिव नंबर की पावर, पॉजिटिव नंबर की पावर, पावर यहां पे सी है, कभी भी नेगेटिव नंबर हो ही नहीं सकता।
आप किसी भी पॉजिटिव नंबर मान लो 2 की पावर उठा लो, 2 की पावर आपकी मर्जी जो करना है पुट कर दो, 1/2 पुट कर दो, 2 की पावर 100 पुट कर दो, अरे 2 की पावर आपका मन कर रहा है तो -2 पुट कर लो, ये सारी ना पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। तो डेफिनेटली इस ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये ए को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये अपने आप में मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई क्यों नहीं डिफाइन है या ऐसा क्या हो गया कि हमारी हालत मतलब लॉग को इतनी दिक्कतें आ गई पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है। तो अपने रीजन है, डेफिनेटली लॉग को हमने डिफाइन किया है, कोई रियल वर्ल्ड तो है नहीं लॉग, ये मैथमेटिकली हमने डिफाइन किया हुआ है, तो हमने अपने खुद के रीजंस देखे, उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स डाली हुई हैं और वो कंस्ट्रेंट ये हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब जैसे कभी कभी आपको इस टाइप से मिल गया कि लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस साइन एक्स, लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस साइन एक्स। अब आप बोलोगे सर ठीक है ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हो आप मैथमेटिकली लॉग लिया जा सकता है कॉस का बेस में साइन एक्स, बट अपने अपने खुद के कंस्ट्रेन हैं और कंस्ट्रेन तो आपको यही बोलेंगे फाइनली कि भाई ये जो चीज है ना ये कब डिफाइन है जरा बताओ तो मेरे को, कब डिफाइन है ये? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए डिफाइन है, उसके अलावा डिफाइन ही नहीं है। अब बोलोगे क्यों, तो आप देखो भाई कि यहां पे क्या है, यहां पे है कॉस एक्स, कॉस एक्स पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे, जो आपके पास कंस्ट्रेन है कि भाई ए पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फिर ये बेस में साइन एक्स है, भाई बेस में साइन एक्स को भी जो है वो क्या होना पड़ेगा, वो पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो आप ये बोलेगा कि मुझे फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट ही चाहिए। अब भाई दोनों को डिफाइन करने के लिए, दोनों की कंस्टेंट को, दोनों की बात मानने के लिए आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब बोले तो 0 से लेके π/2 ले सकते हो आप, 0 भी नहीं ले सकते, π/2 भी नहीं ले सकते, आप 0 से π/2 के बीच की वैल्यूज ही ले सकते हो। क्यों नहीं ले सकते हो 0, क्योंकि 0 के लिए साइन एक्स दिक्कत दे देगा आपको बेस, कि भाई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, बेस 0 नहीं चलेगी, बेस हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। उसके बाद π/2 लोगे, π/2 के लिए भी साइन एक्स दिक्कत दे देगा, दोनों में ये प्रॉब्लम कर रहा है 0 और π/2 के लिए, कि 0 के लिए 0 वैल्यू है नहीं चलेगा, π/2 के लिए 1 वैल्यू है, बेस 1 के बराबर भी नहीं चलनी चाहिए, तो 0 से π/2 के लिए डिफाइन है, अदरवाइज लॉग कॉस एक्स बेस साइन एक्स नहीं डिफाइन है। ठीक है, तो ये कंस्ट्रेन है, कंस्ट्रेन का अपना रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे जाके जब आप क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे। इस साल नहीं रोल प्ले करेगा, इस साल जो लॉगरिथम आप पढ़ रहे हो, बट जैसे ही जब आप आगे पढ़ोगे, वैसे इस साल भी हाँ इन इक्वेशंस तो आप पढ़ ही रहे हो, रोल प्ले करेगा, बट जब आगे फंक्शंस वगैरह आप पढ़ोगे तो अपने आप में बहुत कंस्ट्रेन लेके आता है लॉग। ठीक है, चलो लिख लिया, बढ़ जाऊं आगे, समझ गए ये कब डिफाइन है कब डिफाइन नहीं है। तो बेस शुड बी ग्रेटर देन 1, सॉरी बेस 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 शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड नॉट बी इक्वल टू 1, एंड जिसका लॉग ले रहे हैं दैट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 0, इट मींस द पॉजिटिव वैल्यूज। तो एवरीवेयर द पॉजिटिव वैल्यूज आर इन्वॉल्व्ड, हाँ डेफिनेटली यहां पे एक से भाई, क्योंकि एक्स की वैल्यू के बारे में बात करेंगे ना अपन, वेरिएबल तो एक्स ही है वहां पर। हाँ अगर आपको जनरल केस लिखना है तो आप अगर इसको जनरल सॉल्यूशन लिख रहे हो तो आप लिखोगे 2nπ टू 2nπ प्लस π/2। अब तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये लिख सकते हो, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द डोमेन। अगर आपने वर्ड सुना है, अगर हमने पहले बात करी है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। ये सी की वैल्यू कोई का कोई कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सी कुछ भी हो सकता है, इसका आउटपुट कुछ भी हो सकता है बेटा, आउटपुट कैन बी एनी वैल्यू, अपन बात करेंगे उसके बारे में। आउटपुट जो होता है ना, आउटपुट होता है मतलब आउटपुट की जगह आप यहाँ पे लिख लो कि भाई अगर इसकी वैल्यू लॉग ऑफ ए बेस बी की वैल्यू आपने सी ले ली है,
तो भाई साहब ये सी ना कैन बी एनीथिंग, सी कैन बी एनीथिंग, द आउटपुट द रिजल्ट ऑफ लॉग कैन बी एनीथिंग। इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे। सी बिलोंग्स टू आर, द आउटपुट कैन बी एनी रियल वैल्यू, जैसे टेन थीटा का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, ऐसे लॉग का आउटपुट भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और मैं बात करूंगा इसको एक दो लेक्चर के बाद में, लॉग में आउटपुट के बारे में। चलो अब बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने ये सारी चीजें नोट कर ली, इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा। आगे बढ़ते हैं और अब हम जानते हैं कि लॉग की दुनिया ना, ये ठीक है, ये हो गई आपकी डेफिनेशन, ये हो गई आपकी डेफिनेशन। अब क्या होता है, लॉग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज, या बोल सकते हो आप फॉर्मूलाज, या तो लॉग की प्रॉपर्टी बोल दो या तो लॉग के फॉर्मूलेज बोल दो। प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, अरे प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ, प्रॉपर्टीज का मतलब ये हुआ कि ए प्लस बी द होल स्क्वायर, अगर आपको करना है, ध्यान देना मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आपको ए प्लस बी द होल स्क्वायर करना है तो आप दिमाग तो नहीं लगाते हो, आप क्या बोलते हो, सर ये ले लो, ये आपने एज ए फॉर्मूला याद कर लिया क्योंकि बहुत यूज आता है। अदरवाइज आप क्या करते, इसको करने के लिए आप करते कि a प्लस बी को सर a प्लस बी दो बार लिख देता हूँ पावर वन करके, इसको a को मल्टीप्लाई करता हूँ पहले a प्लस बी से इससे, और फिर सर ये b को मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस करके a प्लस बी से। तो भाई ये सब मेहनत नहीं करनी ना आपको, तो आपने फॉर्मूला बना लिया। सिमिलरली हमने क्या किया, लॉग के लिए भी कुछ चीजें हैं जो मेहनत हमको ज्यादा करवा देती है, ये 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये पूरी मेहनत आपने छोड़ के आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न कर लिया, राइट। तो ये फॉर्मूला हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, जो भी आपको बोलना, आइडेंटिटी हो गई, जैसा भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। वही हम कुछ लॉगरिथम के लिए करने वाले हैं, तो अब उन प्रॉपर्टीज को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उस पेज पे तो मैं सारी प्रॉपर्टीज लिख दूंगा, यहाँ पे हम लोग उन प्रॉपर्टीज को वन बाय वन करके मैं सबसे पहले प्रूफ करते जाता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अब जैसे सपोज मैंने आपको बोला कि लॉग लॉग वन बेस थ्री की वैल्यू निकालो, या लॉग वन बेस टू की वैल्यू निकालो, या लॉग वन बेस फाइव की वैल्यू निकालो, तो जरा बताओ तो वैल्यू कितनी आएगी, जरा बताओ मुझे कि वैल्यू कितनी आएगी। और भाई लोग तुम लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो यार, मतलब स्टिल पीपल आर ज्वाइनिंग, आई डोंट नो मतलब हाउ दे कैन मैनेज इट, कि लॉग का बेसिक छूट गया हुआ है, लॉग की डेफिनेशन भूल गए हो, तो लेक्चर कैसे समझ में आने वाला है। तो टाइम से ज्वाइन करा करो बेटा, अगर आप नहीं समझोगे, अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ जाएगा तो आप एक बहुत बड़े अलग जोन में चल रहे हो, ऐसा नहीं होता है, आपको बातें सारी सुननी पड़ेंगी जब ही समझ में आएगा बेटा। तो इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं और फिर वही करोगे आप, वन इज इक्वल टू थ्री की पावर एक्स, और बोलोगे सर एक्स को जीरो होना कंपलसरी है क्योंकि जब पावर जीरो होता है तो ही वैल्यू वन होती है। यहाँ पे आप वाई मान लोगे तो फिर आप बोलोगे वन इज इक्वल टू टू की पावर वाई, सो देयर फोर आप बोलोगे सर वाई को जीरो होना कंपलसरी, और इसको डायरेक्ट देख के अब बोल दोगे आप जीरो। तो ये एग्जाम्पल नोट करते जाना बेटा, मैं एक एक करके प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखाते जाऊंगा, उनका एग्जाम्पल बताते जाऊंगा। मतलब जो मेरी पहली प्रॉपर्टी है वो ये बोलती है कि अगर मैंने लॉग लिया है और बेस में वन लिया है, सॉरी वन लिया है और बेस में मैंने मेरी मर्जी मेरे को जो चूज करना है मैंने चूज किया है, बी कुछ भी लिखा हुआ है, तो वैल्यू हमेशा मेरे पास कितनी आने वाली है, जीरो ही आने वाली है, ये कंपल्शन है। तो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इफ आई एम टेकिंग द लॉग ऑफ वन व्हाट एवर द बेस मे बी द वैल्यू विल बी जीरो, ठीक है। ये एग्जाम्पल नोट कर लो तीनों उसके लिए। तो ऐसे 8-10 प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बात कर लेंगे हम लोग।
लॉग जीरो इज नॉट डिफाइंड बेटा, जीरो का लॉग नहीं ले सकते हम, पॉजिटिव नंबर का ही लॉग ले सकते। ये मैंने बताया ना, वी कैन टेक ओनली द लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, जीरो का लॉग नहीं ले सकते। चलो लिख लिया ये वाला प्रॉपर्टी। दूसरा मुझे ये बताओ कि अगर मैंने आपको दे दिया लॉग ऑफ ए बेस ए, मतलब जिसका लॉग लेके रखा वही बेस में है, तो आंसर क्या आएगा? जैसे कि एग्जांपल, लॉग थ्री बेस थ्री अगर आपको मिला, लॉग ऑफ टू बेस टू आपको मिला, लॉग ऑफ फाइव बेस फाइव अगर आपको मिला, तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी? अगेन आप वही करोगे कि सर सॉल्व कर लेके देख लेते हैं क्या आएगी। इज इक्वल टू एक्स मान लो, इज इक्वल टू वाई मान लो भाई, फिर आप बोलोगे थ्री इज इक्वल टू थ्री की पावर एक्स है सर, एक्स की वैल्यू कंपल्शन वन होनी चाहिए। यहाँ पे भी वही बोलोगे टू इज इक्वल टू टू की पावर वाई है सर, सो वाई की वैल्यू सर वन होना चाहिए कंपल्सरी। इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली आप जज कर सकते हो कि वैल्यू वन आने वाली है, तो भाई इसको हम लोगों ने बना दिया एक प्रॉपर्टी। क्या बना दी? एक प्रॉपर्टी, वो लिखा कि जब भी आपको जिसका लॉग लेके रखा हुआ है वही बेस में है, तो वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? वन आने वाली है। तो वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है? वन आने वाली है। ठीक है, तो ये दो तो एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो हमने कर ली। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी नोट कर लो। देयरफॉर लॉग अगर जिसका लिया है वही बेस में है दोस्तों, तो वैल्यू वन आने वाली है। इसका मतलब हो गया लॉग अगर वन लिया है, बेस में कुछ भी ले लो आप, डजेंट मैटर, आंसर आपके पास जीरो आने वाला है। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी विद देयर एग्जाम्पल्स। हाँ देखो, इसमें अब देखो ये चीजें हैं कि अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो ये बी का क्या सीन है, बी क्या है? तो आप बोलोगे सर बी की मर्जी आपकी जो वैल्यू चूज करो, बट बी ग्रेटर देन जीरो चूज करो, बी शुड नॉट बी इक्वल टू वन चूज करो, बिकॉज अंडर दिस कंडीशन ओनली द लॉग इज डिफाइंड, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे आप ए को जो चूज करना है करो, बट ए शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का ही लॉग लिया जा सकता है और बेस में भी पॉजिटिव नंबर आता है, और बेस वन के बराबर नहीं हो सकती, और ए बेस में भी है इसीलिए बेस वन के बराबर नहीं हो सकता। तो अंडर दिस कंडीशन ओनली दिस इज डिफाइंड। बाकी प्रॉपर्टी हर एक नंबर के लिए होल्ड करने का मतलब, कभी भी मैं मैथ्स में अगर ये चीज बोल रहा हूँ कि भाई ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी, तो ये मान के चलो कि उसकी कंडीशन को तो सेटिस्फाई उसको करना कंपलसरी है, अदरवाइज वो डिफाइन ही नहीं है। जैसे टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है हमेशा, बट 90 डिग्री के लिए नहीं, डिफाइन ही नहीं होता है, राइट? तो वही वाली बात यहां पे हो गई। चलो बढ़ जाऊं आगे। अब एक प्रॉपर्टी होती है, वो बोलती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसा मिल गया लॉग में, लॉग बेस में तो बी है, ए रेस टू द पावर एम है, क्या है? ए रेस टू द पावर एम है, किसका लॉग लेके रखा? ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी भी बेटा प्रॉपर्टी में। आपकी पावर क्या है, आपने किसका लॉग लेके रखा हुआ है? लॉग लेके रखा हुआ है ए की पावर एम का, और बेस में बी, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि भाई ये जो एम है ना, इसको बाहर लेके आ जाना, और लॉग ऑफ ए बेस बी इज इट इज लिख देना। ठीक है, तो ये पावर जो है एम को बाहर लेके आ जाना। एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा मैं, तो आपको क्लियरिटी आएगी कि प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि आपको मैंने वैल्यू निकालने को बोला था, पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया था आपको बोला था लॉग एट बेस टू की वैल्यू निकालो, आपने निकाल के दी थी, कितनी वैल्यू निकाल के दी थी जरा बताओ मुझे। पहला क्वेश्चन जो था जिसके हेल्प से मैंने आपको लॉग इंट्रोड्यूस किया था वो यही था। तो लॉग एट बेस टू की वैल्यू आपने थ्री निकाल के दी थी, कैसे निकाल के दी थी? एक फंडा मैंने सिखाया था कि भाई ये लॉग की डेफिनेशन है, इसको फुलफिल करवा दो, आपको एक्स की वैल्यू लॉग एट बेस टू की वैल्यू आ जाएगी, जिसको हम एक्स मान के सॉल्व करते थे, करेक्ट?
अब इसको मैं बोलूंगा कि नहीं यार अब अलग मेथड से सॉल्व करूंगा, मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो मुझे ये पता है कि लॉग टू एट को मैं टू की पावर थ्री लिख सकता हूं, हाँ कहना लिख सकता हूं, करेक्ट। तो लॉग टू रेस्ट टू द पावर थ्री, बेस में टू है, अब जिसका लॉग लेके रखा हुआ है दोस्तों वो पावर में है, तो ये लॉग बोलता है कि ये जो पावर को है ना भैया वो बाहर मल्टीप्लीकेशन में लेके आ जाएगा, तो ये थ्री को ना बाहर लेके आ जाना, और बचा हुआ जो बचा हुआ रहेगा उसको एज इट इज लिख देना, हमको कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द प्रॉपर्टी जो मैंने यहां से यहां पे लिखा, सेकंड टू थर्ड स्टेप, दिस इज द प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है कि पावर कुछ इस तरीके से काम करेगी, और एक और प्रॉपर्टी आपको ये बोलती है, आपको एक और प्रॉपर्टी बोलती है कि भाई इसकी वैल्यू क्या है जरा बताओ तो मेरे को, जिसका लॉग लेके रखा वही बेस में है तो इसकी वैल्यू वन है। तो देखो ये थ्री आ गया, आप निकालते थ्री थे, तरीका दूसरा हो गया। अब आपने प्रॉपर्टी लगा दी, अब आपने एक फॉर्मूलेज लगा दिए और उसके आंसर निकाल लिया है, तो डेफिनेटली अभी के क्वेश्चंस के लिए हो सकता है दोनों आपको एक जैसा लगे, जो बेसिक लॉग का फंडा था और ये, बट जैसे आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलेस आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, लॉग ए रेस्ट टू द पावर एम बेस बी इज इक्वल टू एम लॉग ए बेस बी, इसका प्रूफ मैं आपको कराऊंगा बेटा। और प्रूफ कराने का रीजन ये है कि ये प्रूफ भी एक लॉग के क्वेश्चन की तरह ही है, प्रूफ भी क्या है एक लॉग के क्वेश्चन के तरह ही है, इसीलिए हम इसको कर लेते हैं। तो प्रूफ में दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा जो बहुत काम देगी आपको मैथ्स का, मतलब लॉगरिथम का एकदम बेसिक रहेगी, इसीलिए उसको उन तरीकों से मैं बता देता हूं आपको। अब क्या करो आप इसको प्रूफ के लिए, लॉग ऑफ ए बेस बी को आप मान लो एक्स, क्या किया लॉग ऑफ ए बेस बी को आपने मान लिया एक्स, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है ए की पावर एम का लॉग इज इक्वल टू एम इंटू लॉग ए बेस बी। अब लॉग तो ये बोलता है कि a इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, b की पावर x होना चाहिए भाई, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है। फिर आपको ये भी डाउट नहीं होना चाहिए कि a रेस टू द पावर m इज इक्वल टू b रेस टू द पावर x रेस टू द पावर m, मतलब दोनों साइड मैंने क्या कर दी भाई पावर m डाल दी, दोनों साइड क्या कर दी पावर m डाल दी, एंड देयर फोर a रेस टू द पावर m इज इक्वल टू b रेस्ट टू द पावर m इंटू एक्स हो गया, पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है ना। बेसिक प्रॉपर्टी है ये मैथ्स की, एलजेब्रा की, कि पावर x और m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो mx लिख दूं या xm लिख दूं फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे। यहां तक सबको क्लियर, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। अभी तक अपन ने एकदम बेसिक मैथ सॉल्व किया, लॉग को इंट्रोड्यूस, अब मैं लॉग को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। अब जैसे कि एक ये तो बेटा प्रॉपर्टी है ना अपनी, ये वाली लॉग ए बेस ए की वैल्यू कितनी होती है सेकंड प्रॉपर्टी, अगर जिसका लॉग लेके रखा वही बेस में तो वैल्यू वन होता है ना, तो प्रॉपर्टी यूज कर दी इसकी जगह ये जो लिखा, ठीक है डायरेक्टली। चलो तो अभी तक मैंने लॉग को इंट्रोड्यूस नहीं किया, अब मैं लॉग को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो देखो बेटा यहां पे आपने मैथ्स में कुछ बेसिक फंडे पढ़े हैं, आपने बेसिक फंडे क्या पढ़े हैं देखना इधर। अगर आपको a इज इक्वल टू b देके रखा हुआ है तो आप बोलते थे कि सर अगर मैं 2 को ऐड कर देता हूं दोनों साइड तो मेरे लिए काम हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, राइट? ये पढ़ा है आपने, आपने ये भी पढ़ा है कि सर एक 2 से डिवाइड कर दूंगा तो भी चलेगा, मतलब जो भी ऑपरेशन करना है कुछ इस तरीके के ऑपरेशन मेरे पास पॉसिबल है कि a इक्वल टू b देके रखा हुआ है तो मैं कोई भी नंबर ऐड करूं तो LHS और RHS में अगर मैं सेम नंबर से ऐड कर रहा हूं तो चल जाएगा, सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो चल जाएगा, सेम पावर डाल रहा हूं तो चल जाएगा, राइट? तो आप ये भी बोल सकते हो यहां पे कि सर अगर आपको पावर भी डालनी है तो आप ये भी लिख सकते हो a रेस टू द पावर 3 इज इक्वल टू b रेस टू द पावर 3, ये भी बोल सकते हो। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं
दोनों साइड का लॉग भी ले सकते हैं बेटा। क्या कर सकते हैं हम, दोनों साइड का लॉग भी ले सकते हैं, मतलब आप लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी बोल सकते हो, और बेस जो है वो आपकी मर्जी, आपको जो चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। ये जो बेस है ना यहाँ पे, ये आपकी मर्जी जो चूज करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि जब आपने ये टू को ऐड किया तो सिर्फ टू ऐड नहीं कर सकते हो, ये नंबर आपकी मर्जी जो आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6 -10, -2 जो मर्जी है वो कर सकते हो। तो आप लॉग दोनों साइड का ले सकते हो, आप लॉग दोनों साइड का ले सकते हो, आप लॉग दोनों साइड का ले सकते हो, और बेस आपकी मर्जी जो चूज कर सकते हो वो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेस आपकी मर्जी, आपको ए चूज करना है, ए बी चूज करना है, बी सी चूज करना है, सी टेन चूज करना है, टेन एक्स चूज करना है, एक्स वाई चूज करना है, वाई आपकी मर्जी। बट अब हमारी मर्जी तो ठीक है, बट भाई क्वेश्चन की मर्जी भी होनी चाहिए कि मैं कुछ भी चूज करके तो चलूंगा नहीं, मैं तो क्वेश्चन के हिसाब से चूज करूंगा, मुझे जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चूज करूंगा। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बोलता है कि बेस बी चूज कर लो। बेस बी क्यों चूज कर लो, तो ये अभी आपको क्लिक नहीं करेगा, बट ये धीरे धीरे पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, क्या बेस लेके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो बेस शुड बी सेम ऑन बोथ द साइड, जैसे जब आप कोई नंबर को ऐड करते थे LHS और RHS में, सेम नंबर से ऐड करते थे, सब्सट्रैक्ट करते थे, सेम नंबर से सब्सट्रैक्ट करते थे, डिवाइड करते थे, सेम नंबर से डिवाइड करते थे, सिमिलरली लॉग ले रहे हो तो सेम नंबर बेस में होना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये एक मेथड है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स में जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलो, अब यहां तक अब आपको समझ में आ गया था, अब मैं इस पार्ट को वापस, जो LHS वाला पार्ट है ना, इसको उठा लेता हूं बेटा। लॉग बी बी रेस्ट टू द पावर एम एक्स है ना, मैं इसको कुछ नहीं छेड़ रहा हूं, अब जो यहां पे लिखा हुआ है उसको नहीं छेड़ रहा हूं, मैंने ये वाला पार्ट उठा लिया और इसकी वैल्यू मैंने मान ली कि चलो यार इसकी वैल्यू ऐसा करो वाई ले लो। तो जरा मेरे को जल्दी से y की वैल्यू निकाल के बताओ तो जरा क्या आएगी, y की वैल्यू बताओ क्या आएगी। आप बोलोगे कि सर देखो आपने इसको y मान लिया, अब b की पावर mx इज इक्वल टू कितना ले लोगे आप, सर b की पावर y ले लोगे, और फिर बोलोगे सर देयर फोर mx की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, सर y के बराबर होनी चाहिए, और सर m तो m ठीक है, x क्या है आपके पास जरा बताओ तो, x क्या है, x आपने लिया है log a base b लिया ना दोस्तों, हाँ कहना, तो ये y की वैल्यू आ गई। आपने जब स्टार्टिंग में लिया है, ये लिया हुआ है आपने log a base b इज इक्वल टू कितना लिया हुआ है, इज इक्वल टू x लिया हुआ है आपने, तो यही मैंने यहाँ पे इस वाले x की जगह log a base b पुट कर दिया। किसको पुट कर दिया, तो बोले y को पुट कर दिया, और y किसके बराबर है भाई साहब, इसके बराबर है, ठीक है, मतलब इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई m इंटू लॉग ऑफ a बेस b, और ये तो आपके पास एज इट इज था कि लॉग बेस b है और a रेस टू द पावर m है, और दोस्तों यही तो प्रॉपर्टी थी, यही तो मेरी प्रॉपर्टी है भाई। आया गया समझ में, मतलब बेसिक कुछ कैलकुलेशंस मैथ्स को मैनेज किया और आंसर निकाल दिया, कोई वो ऐसी भारी बात नहीं, बट यू कैन ट्रीट इट एज अ क्वेश्चन, क्योंकि मैथ्स ये लॉगरिथम की बेसिक चीजें हैं जो हमने सॉल्व करी, ये आपका सोन इस पे होना चाहिए। कौन सी स्टेप समझ में नहीं आई भाई, यहां से यहां कैसे लिखा, ये वाली स्टेप, एक्स की वैल्यू क्या है तेरे पास, सबसे पहली स्टेप देख, प्रूफ के बाद क्या लिखा है मैंने, एक्स की वैल्यू क्या अज्यूम करी, लॉग ए बेस बी लिए ना, वही लिख दिए, वाई की वैल्यू मिल गई है, वाई की वैल्यू तेरे पास ये थी, तो इसकी जगह मैंने यहां पे मतलब कलर कोड देके रखा है, इसीलिए मैंने सेम कि आपको दिक्कत ना आए। तो ठीक है, आ गई प्रॉपर्टी समझ में,
एक क्वेश्चन को आसान बना देती है बेटा। तो अब ऐसे में एक एक प्रॉपर्टी लिखाते जाता हूँ, उनका प्रूफ निकालते जाते हैं, वो जल्दी से करते जाते हैं। शुरू की एक दो प्रॉपर्टी में टाइम लगेगा, बाद में तो टाइम ही नहीं लगेगा बेटा। ये लिखा है ना बेटा, लॉग ए बेस बी की वैल्यू क्या है, एक्स ही तो है ना, तो एक्स को रिप्लेस नहीं कर सकता क्या मैं लॉग ए बेस बी? ये वाली स्टेप तो देखो आप लोग। तो प्रूफ ऐसा नहीं, एम आई ऑडिबल? Am I audible now? अभी ठीक है ना? तो वॉइस इज लो यार, पता नहीं मेरे हैंडसेट में कुछ इशू आ रहा है, तो मैंने लैपटॉप का ही यूज कर रहा हूँ, टिपिकली हैंडसेट काम नहीं कर रहा है मेरा, तो हो सकता है वॉइस लो हो, एंड आई एम नॉट श्योर हैंडसेट क्यों काम नहीं कर रहा है। एक बार ठीक है, एम आई ऑडिबल नाउ? अब हो गया, वो हैंडसेट को पता नहीं डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ तो आवाज हो जाती है, मीनवाइल बीच में अपने आप गायब हो जाती है, तो ये हैंडसेट का भी प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, बढ़ जाऊं आगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिला कि लॉग ऑफ ए इनटू बी बेस सी, मतलब लॉग जो लेके रखा हुआ है बेटा वो ये पूरे का लॉग लेके रखा हुआ है, ए इनटू बी का लॉग लेके, इसको आप लोग लिख सकते हो कि लॉग ऑफ ए बेस सी प्लस लॉग ऑफ बी बेस सी।
एग्जाम्पल देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद इसका प्रूफ कर लेंगे अपन। एग्जाम्पल है, मान लो सपोज आपको देखिए रखा हुआ है लॉग ऑफ 6 बेस 2। क्या देखे रखा हुआ? लॉग ऑफ 6 बेस 2। यू कैन राइट इट समथिंग लाइक के भाई मैं लॉग बेस 2 तो है ही है, 6 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 लिख सकता हूं। अब यही प्रॉपर्टी मेरे को बोलेगी कि अब इसको आप लिख सकते हो सर लॉग बेस में 2 अलग से और 3 अलग से, और इन दोनों का कर दो आप एडिशन, इन दोनों का क्या कर दो आप एडिशन। तो ये जो आपके पास 2 × 3 है, ये 2 यहां आ गया, ये 3 यहां आ गया, बचा हुआ सिस्टम एज इट इज, बाकी इन दोनों का लॉग लेके आपको क्या करना है एडिशन में लेके आना है। ये प्रॉपर्टी बोलती है। अब आपको इसका तो पता ही है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और ये लॉग 3 बेस 2 एज इट इज रह जाएगा। इसकी वैल्यू अभी आपको निकालना आती नहीं, निकालेंगे हम, इसकी वैल्यू भी सीखेंगे कैसे निकालनी। नहीं, इट इज नॉट ब्लूटूथ हैंडसेट बेटा, ये यूएसबी वाला ही हैंडसेट। तो समझ में आया आपको ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हो गई, कि अगर मल्टीप्लिकेशन में चीजें हैं बेटा, अगर मल्टीप्लिकेशन में चीजें हैं तो वो एडिशन में आ जाती हैं, या फिर इसका उल्टा भी आप कर ही सकते हो डेफिनेटली, कि एडिशन में चीजें हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। ठीक है, तो इसका प्रूफ अपन कर लेते हैं। लॉग ऑफ ए बेस सी को आप एक्स मान लो, लॉग ऑफ बी बेस सी को आप वाई मान लो, एंड देयरफॉर ए इज इक्वल टू सी की पावर एक्स हो जाएगी एंड बी इज इक्वल टू सी की पावर वाई हो जाएगी। ये आपने अज्यूम किया है और ये आपका प्रूफ है बेटा, ना प्रॉपर्टी अप्लाई करना आप सीख गए हो, मैं यहाँ पे प्रूफ बता रहा हूँ कि भाई पहले मैं आपने क्या किया, पहले मैं लॉग ए बेस सी को आपने एक्स मान लिया और लॉग बी बेस सी को आपने वाई मान लिया। ठीक है, तो आपने लॉग का सिंपल फंडा लगाया, लॉग को रिमूव किया, ए इज इक्वल टू सी की पावर एक्स, बी इज इक्वल टू सी की पावर एक्स। अब इन दोनों को इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, सो देयरफॉर आपको मिल जाएगा a into b is equal to c की पावर x into c की पावर y, so therefore a b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी c की पावर x plus y। चलेगा भाई साहब यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, यहां पे कंफ्यूज मत होना, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड में ए भी आ गया, राइट हैंड साइड में सी की पावर एक्स इंटू सी की पावर वाई आ गया। और आपको पता है कि लॉग तो ले ही सकता हूं मैं, और बेस तो आपको पता है, आपकी मर्जी जो आपको चूज करना है कर लो, तो हम यहाँ पे बेस सी चूज कर लेते हैं ना, क्वेश्चन डिमांड करता है। और अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं एक्स प्लस वाई ले सकता हूं और लॉग सी बेस सी लिख सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी? पावर वाली प्रॉपर्टी, कि ये वाली जो पावर है सर इस पावर को ना आप बाहर निकाल सकते हो मल्टीप्लीकेशन, जो पहली प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, तो आ गया भाई। और अब आपको पता है कि ये बस एक्स प्लस वाई बच जाएगा, क्यों बच जाएगा? क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 है, इसीलिए बच जाएगा। और एक्स आपको पता है क्या है, यहीं पे आपने लिख के रखा हुआ, एक्स से आपके पास लॉग ऑफ ए बेस सी, और वाई आपको पता है क्या है, लॉग ऑफ बी बेस सी, और यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ ए बी बेस सी। बस ये आपको प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी। यही तो प्रॉपर्टी है हमारी ओरिजिनल। तो कुछ नहीं, थोड़े से मैनिपुलेशन से, कुछ भी नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी का प्रूफ
मैं बोलूंगा याद मत रखना, बट प्रूफ करके दे जरूर देखना, आपके हैंड्स ऑन हो जाएंगे। चलो बढ़ जाऊं आगे। सेम एक और प्रॉपर्टी, सेम पैटर्न की प्रॉपर्टी, थोड़ा सा डिफरेंस। लॉग ऑफ बेस सी, यहां पे पहले मल्टीप्लिकेशन में था, अब डिवीजन में। जैसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी में a इंटू बी था, ये a डिवाइडेड बाई बी है। तो जब a डिवाइडेड बाई बी है बेटा, तो a बेस c माइनस ऑफ लॉग b बेस c आपको करना पड़ेगा। तो पहले एडिशन था, प्रीवियस पेज पे वापिस एक बार जाऊंगा बेटा, बट पहले इस पे ध्यान दे। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, लॉग a बाई बी बेस c इज इक्वल टू लॉग a बेस c माइनस लॉग b बेस c। एग्जाम्पल पहले दे देता हूँ, फिर इसका प्रूफ कराऊंगा तो नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड पे ले जाऊंगा। एग्जाम्पल आपके पास है, मान लो सपोज आपको वैल्यू निकालना है लॉग बेस टू टू बाई थ्री। तो लॉग किसका लेके रखा हुआ है आपने, टू बाई थ्री का लेके रखा है, बेस में टू है। तो आप इसको लिख सकते हो विद विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यू कैन राइट इट लाइक लॉग टू बेस टू माइनस लॉग थ्री बेस टू। दोस्तों लॉग टू बेस टू की वैल्यू वन हो गई और इसको आप लिख सकते हो लॉग थ्री बेस टू। दिस इज हाउ यू कैन सिंप्लीफाई, सिंपल। तो जैसे एडिशन में था, यहाँ पे ये डिवीजन में है, तो यहाँ पे एक सब्सट्रैक्शन आ जाता है इनके बीच। लॉग थ्री बेस टू, बेस तो सेम ही है डेफिनेटली, बस एक डिवीजन आ जाता है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी। प्रूफ मैं प्रीवियस स्लाइड पे ले जाऊंगा, जिसने नहीं लिखा था वो भी लिख लेना। सेम प्रूफ जो इसका है वही है, सिर्फ आपको एक चीज डिवाइड कर एक चीज करना है कि यहां से जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे, तो आपने यहां से इसको सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन को यूज किया। अब जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना बेटा, क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c की पावर x डिवाइडेड बाय c की पावर y, और ये आ जाएगा a बाय b इज इक्वल टू c की पावर x माइनस y। ये आप समझ रहे हो। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास log ऑफ a बाई बी बेस c इज इक्वल टू log ऑफ बेस c x माइनस y, c की पावर x माइनस y, बेस भी c है और c की पावर x माइनस y। तो ये वैल्यू बच जाएगी आपके पास x माइनस y, और ये बच जाएगी log a बाई बी बेस c। मतलब सेम लास्ट वाला प्रूफ है, सिर्फ आपने कुछ डिफरेंसेस जो लेके आए हो वो यहाँ पे लेके आए हो कि यहाँ पे आप डिवाइड कर रहे हो, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, बस इतना सा फर्क है, वो प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ठीक है, तो वेन एवर थिंग्स आर मल्टीप्लाइंग इनसाइड द लॉग, जिसका लॉग आप ले रहे हो, यू कैन ब्रेक इट इनटू एडिशन इंडिविजुअली। और अगर डिविजन में है, यू कैन सबस्ट्रैक्ट। प्रूफ में भी बस एक ही बेसिक डिफरेंस है कि जहां आपने मल्टीप्लाई किया था बेटा, वहां पे डिवाइड कर।
ठीक है, लिख लिया अभी, ये तो प्रॉपर्टी है, आपको याद होना चाहिए, लॉग ए बाय बी बेस सी इज इक्वल टू लॉग ए बेस सी माइनस लॉग बी बेस सी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अभी तक एक बार हम उस प्रॉपर्टी वाली स्लाइड पे चले जाते, हमने जहां पे लिखा था, फिर हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई थी लॉग ऑफ ए रेस टू द पावर एम बेस बी इज इक्वल टू एम इंटू लॉग ए बेस बी, ये एक प्रॉपर्टी हो गई थी। फिर हमने देख ली थी लॉग ए इंटू बी बेस सी, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है तो आपके पास लॉग ए बेस सी प्लस लॉग बी बेस सी कर देंगे, और जब डिवीजन में है तो लॉग ए बेस सी माइनस लॉग बी बेस सी कर दो। ये प्रॉपर्टी हमने अभी तक देखी, ये पांच प्रॉपर्टी हमने देखी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है लॉग ए बेस बी कैन बी रिटन एज लॉग ए बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस सी, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टी। आऊंगा बेटा उस पर, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी, अब बेस चेंज प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि इसमें आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ पे लॉग ए बेस बी था, यहाँ पे अब जो नए वाले हैं उसमें बेस सी और बेस सी आ गया, और ए और बी को आपने यहाँ पे ए का लॉग ले लिया है, यहाँ पे बी का लॉग ले लिया, कुछ इस तरीके की आपने लिख दिया। एग्जाम्पल मैं देता हूँ सबसे पहले, अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि लॉग टू बेस थ्री अगर आपके पास लिखा हुआ, तो यू कैन राइट इट लाइक लॉग ऑफ टू बेस फाइव डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ थ्री बेस, ठीक है, लॉग टू बेस फाइव डिवाइडेड बाय लॉग थ्री बेस फाइव, एंड इंस्टेड ऑफ दिस फाइव यू कैन चूज व्हाट एवर यू वांट टू चूज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन डेफिनेटली, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या डिमांड आपसे कर रहा है, इसका प्रूफ अगर हम करेंगे, आपने अज्यूम कर लिया लॉग ए बेस बी को एक्स, नॉट इन द डिनोमिनेटर, फिर आप इसको लिख सकते हो a इज इक्वल टू b की पावर x, फिर आप लॉग ले लो दोनों साइड का, और बेस आपकी मर्जी, आपको जो चूज करना है बेटा चूज कर लो, मैं यहाँ पे बेस c चूज कर लेता, मेरी मर्जी, मेरे को जो चूज करना है ना, तो मैं यहाँ पे c चूज कर लेता, एंड देयरफॉर आई कैन राइट इट लाइक लॉग a बेस c इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ लॉग b बेस, और therefore I can write it like log a base c divided by log of b base c is equal to x, और x क्या है आपके पास, x तो यही है आपके पास, x क्या है, log a base b, तो this must be equal to what,
यही प्रॉपर्टी है आपके पास कि लॉग ए बेस बी किसके बराबर होना चाहिए, लॉग ए बेस सी अपॉन में लॉग बी बेस सी, और सी जो आपने चूज किया है यहाँ पे, सी जो आपने यहाँ पे चूज किया, आपकी मर्जी थी, यहाँ भी कुछ भी चूज कर सकते थे आप यहाँ पे। ठीक है, तो बेस सेंस प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल है, क्वेश्चंस जब क्वेश्चंस करेंगे आपको पता चलेगा, है ना। तो मैं आज यही करूंगा कि सारी प्रॉपर्टीज आपको करा दूंगा, आप सारी प्रॉपर्टीज लर्न कर लेना। और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना पड़ेगी आप। नहीं, नहीं, दो तीन मेन और प्रॉपर्टीज हैं, ज्यादा नहीं है, इतना दिक्कत भी नहीं है, जल्दी वो प्रॉपर्टीज, मतलब ये भी वही बार बार यूज आने वाली चीजों में से है, मतलब मैथ्स का बेसिकली लॉ इन नॉट ऑडिबल, आई मीन नॉट ऑडिबल, am I audible now? Am I audible now? Voice is fading हो रहा है यार, ये क्या दिक्कत आ रही है आज? Am I audible now? हाँ, अब आ रही है। अच्छी ना, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हो गई, समझ में आ गई। इसी की एक छोटी वाली प्रॉपर्टी भी होती है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी इसी स्लाइड में बता रहा हूं, यहां पे। log a base b can be written as 1 divided by log of b base a, ये भी प्रॉपर्टी है, बेस सेंस प्रॉपर्टी ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्जाम्पल यहां पे लिख देता हूं, के log 2 base 3 है, यू कैन राइट इट लाइक 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ 3 base 2, मतलब बेस और जिसका लॉग देके रखा उनको आपस में इंटरचेंज कर दिया और रेसिप्रोकल कर दिया। और यू कैन राइट इट लाइक, दूसरी लैंग्वेज में ये भी लिख सकते हो आप इसको, लॉग ऑफ ए बेस बी इंटू लॉग बी बेस ए इज इक्वल टू 1। ये भी बेस चेंज प्रॉपर्टी है बेटा, लॉग ए बेस बी है 1 डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस ए लिख सकते हो, बेस चेंज प्रॉपर्टी। और इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, प्रूफ अगर मैं इसका करूंगा, लॉग ए बेस बी है बेस चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं, आई कैन राइट इट लाइक लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी, और बेस आपको पता है कि जो भी मर्जी आती है वो चूज कर सकता हूं, तो बेस में यहां पे ए चूज कर लेता हूं। आपको पता है यहां सी की जगह मैं कुछ भी चूज कर सकता हूं, राइट? ये जो बेस चेंज प्रॉपर्टी थी ये वाली, इसमें सी की जगह कुछ भी चूज कर सकता हूं, तो मैंने सी की जगह यहां पे ए चूज कर लिया बेटा। क्या चूज कर लिया? ए चूज कर लिया। अभी ए चूज कर लिया तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 1 एज इट इज, और नीचे लॉग बी बेस ए एज इट इज बच जाएगा। यही तो प्रॉपर्टी है ये वाली,
तो प्रूफ एकदम सिंपल है इसका, मतलब एक दूसरी प्रॉपर्टी को हेल्प लेके हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर दिया। चलो तो वही वाले पेज पे वापस आता हूँ जहां सारी प्रॉपर्टी लिख के रखी थी मैंने। ये प्रॉपर्टीज और लिख देता हूँ यहाँ पे। बेस चेंज प्रॉपर्टी है अपनी, लॉग ऑफ ए बेस बी कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ए बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी बेस सी। और इसी की इसी से मिलती जुलती एक प्रॉपर्टी है, इसी का एक पार्ट है, यू कैन से दैट वन अपॉन में लॉग ऑफ बी बेस सी, सॉरी बी बेस ए नॉट सी। तो ये दो बेस चेंज प्रॉपर्टी आ गई आपके पास कि लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू लॉग ए बेस सी डिवाइडेड बाय लॉग बी बेस सी एंड लॉग ए बेस बी इज इक्वल टू वन अपॉन में लॉग बी बेस। दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है। ये इनका प्रूफ, चलो आगे बढ़ता हूँ। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, पढ़ते हैं उनको। आज मैं प्रॉपर्टीज़ का काम पूरा ख़त्म कर दूंगा ताकि अपन को नेक्स्ट क्लास में आगे की चीज़ें पढ़ना और प्रैक्टिस करना बाकी रहे। सारी प्रॉपर्टीज, सारे फॉर्मूले सेटलिस्ट आप लर्न करके अपने टेबल के सामने लिख के चिपका देना, प्रैक्टिस हो जाएगी और हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है पावर में घुसते हैं हम लोग। पावर मेरे प्रॉपर्टी होती है कि ए रेस टू द पावर लॉग ऑफ बी बेस सी लिखा हुआ, लॉग बी बेस सी इज इन द पावर ऑफ ए, सो दिस इज इक्वल टू बी रेस टू द पावर लॉग ऑफ ए बेस सी। आप ये ध्यान रखना, ये ए और ये बी, ये बी और ये, इन दोनों को आपस में अपन क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अच्छे क्वेश्चंस में यूज आती है जेई की बात करें तो, जब ठीक है। तो ए और बी को आप क्या एक्सचेंज कर सकते हो, एक एग्जांपल देता हूं फिर इसका प्रूफ बताऊंगा। तो टू रेस्ट टू द पावर लॉग फाइव बेस थ्री सपोज आपके पास है, तो यू कैन राइट इट लाइक फाइव रेस टू द पावर लॉग टू बेस थ्री। मतलब आपने क्या किया, आपने ये टू और ये फाइव को इंटरचेंज कर दिया है, फाइव टू की जगह आ गया और टू फाइव की जगह आ गया, वैल्यू विल रिमेन द सेम। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, टेन रेस टू द पावर लॉग ट्वेल्व बेस इलेवन, तो यू कैन राइट इट लाइक ट्वेल्व पावर लॉग टेन बेस 11। मतलब व्हाट वी आर डूइंग इज, ये जो बेस, ये दोनों को यहां पे इंटरचेंज किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी।
प्रूफ प्रूफ है हमारे पास a रेस टू द पावर लॉग b बेस c को मैंने x मान लिया और लॉग ले लिया दोनों साइड का, दोनों साइड का लॉग ले लिया दोस्तों और बेस c चूज कर दी। बेस क्या चूज कर ली? बेस c चूज कर ली। और अब आपको ये पता है कि ये पावर है भाई, तो ये पावर आ जाएगी बाहर, लॉग बी बेस सी बाहर आ गया, मल्टीप्लाई बाय लॉग ए बेस सी एज इट इज बच गया। बेटा प्रूफ याद नहीं रखने हैं, बट प्रूफ अगर कर लोगे ना, प्रैक्टिस कर लेना, कुछ एक एक दो दो बार खुद से सॉल्व करके देख लेना। रीजन कि आपको लॉग सॉल्व कैसे करते हैं ना, उसका आइडिया लग जाएगा बेटा। रिमेंबर नहीं रखना, याद नहीं करना, बट ये जिस तरीके से प्रूफ हो रहे हैं ना, वो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज आएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ ना, देखना थोड़ा सा मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा स्मार्टली इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, आगे पीछे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना भाई, ए इंटू बी लिखूं या बी इंटू ए लिखूं, बात तो वही। तो आगे पीछे मैंने सिर्फ इन दोनों को इंटरचेंज किया है, मतलब ये जो है उसको इधर लेके आ गया हूं, एंड ये वाला जो पार्ट है उसको इधर लेके आ गया, और कुछ नहीं करा है। और अब मैं प्रॉपर्टी उल्टी लगा दूंगा बेटा, क्या करूंगा, प्रॉपर्टी उल्टी लगा दूंगा, देखना क्या करने वाला हूं। लॉग ऑफ बी बेस में सी एज इट इज और बी की पावर में लगा देता हूं लॉग ए बेस सी। लगा सकता हूं, पावर वाली प्रॉपर्टी उल्टी लगाई है मैंने इस बार, पावर वाली प्रॉपर्टी, ये जो पावर थी, ये जो था, इसको मैं इसके पावर में ले गया हूं, पावर वाली प्रॉपर्टी उल्टी। तो जैसे यहां पे जो प्रॉपर्टी मैंने लगाई थी, ये जो लगाई थी, इसका उल्टा मैंने लगा दिया यहां पे, और नाउ यू कैन सी दैट कि यहां पे लॉग और लॉग दोनों लॉग है और बेस में सी है, दोनों की बेस क्या है, सी है। तो यू कैन सी दैट, यू कैन राइट इट लाइक दैट के भाई अगर लॉग है और बेस दोनों की सेम है, तो यू कैन राइट इट लाइक के बी रेस टू द पावर लॉग ए बेस सी मस्ट बी इक्वल टू एक्स। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल होना चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि लॉग बेस सी है, यहाँ पे भी लॉग और बेस में सी है। तो अगर लॉग लेके रखा हुआ है, बेस में सी है, तो डेफिनेटली जिन टर्म्स का लॉग लेके रखा हुआ है वो भी बराबर ही होनी चाहिए। तो ये दोनों बराबर हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएंगे तो आपका काम यही तो आपको करना था, क्योंकि बी लॉग ए बेस सी इज इक्वल टू एक्स। क्या लेके चले हो यहाँ सबसे स्टार्टिंग में, ए रेस टू द पावर लॉग बी बेस सी। तो प्रूफ में इसीलिए करवा रहा हूं बेटा, क्योंकि आपके हैंड्स ऑन हो के ये प्रॉपर्टी ऐसे लगती है। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि भाई ये प्रॉपर्टी ऐसी लगती है, ये अब आपको याद होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज, तो प्रूफ का प्रूफ भी हो गया और प्रॉपर्टीज के एप्लीकेशन भी हो गया। आप देखो हर एक प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए पुरानी प्रॉपर्टी का हेल्प ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचोगे समझ में आ जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा थॉट देना पड़ेगा, एक एक प्रॉपर्टी खुद से प्रूफ करके देख लेना बेटा, याद मत रखना बट हाँ प्रूफ कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना मतलब। इसी से रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी है, मतलब इसी का भाई है, उसको इधर लिख देता हूं मैं। दैट प्रॉपर्टी सेज ए रेस टू द पावर लॉग बी बेस ए अगर है तो इसकी वैल्यू बी होती है बेटा।
सेम इसी प्रॉपर्टी से इंस्पायर्ड प्रॉपर्टी है, जो ये वाली प्रॉपर्टी है ना, इसी से इंस्पायर्ड प्रॉपर्टी है इनफैक्ट, बट और थोड़ी सी इजी बन गई है। कैसे बन गई है कि जब आप इसको प्रूफ करोगे तो a रेस्ट टू द पावर लॉग b बेस a है, आपको ये पता है कि यू कैन इंटरचेंज दिस टू। तो जब आप इसको इंटरचेंज करोगे b रेस्ट टू द पावर लॉग a बेस a आएगा, और आपको पता है लॉग a बेस a की वैल्यू 1 होती है, तो b आ गया, वही है प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से उस प्रॉपर्टी को हमने प्रूफ कर दिया। अब जो जहां पे मैंने सारी प्रॉपर्टी रखी थी वहां ये भी लिख देता हूं, जो पावर वाली प्रॉपर्टी थी, पावर वाली प्रॉपर्टी है a रेस्ट टू द पावर लॉग b बेस c इज इक्वल टू b रेस्ट टू द पावर लॉग ऑफ a बेस c। और अगर आपको लॉग ऑफ b बेस a मिल गया तो आप इसको b भी लिख सकते हो, जो मैंने सेकंड प्रॉपर्टी अभी प्रूव कराई। तो ये एक अलग प्रॉपर्टी, ये एक अलग प्रॉपर्टी, ये अलग प्रॉपर्टी, ये एक अलग प्रॉपर्टी, डेफिनेटली आपस में लिंक्ड है। एक प्रॉपर्टी ये, एक प्रॉपर्टी ये, एक प्रॉपर्टी ये, एक प्रॉपर्टी ये, और प्रॉपर्टी ये। इसको इसका प्रूफ लिख लो। हाँ, अब एक और प्रॉपर्टी लास्ट में यहीं पर डायरेक्टली बता रहा हूं आपको, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ऐसी है कि लॉग ऑफ a रेस्ट टू द पावर m है और b रेस्ट टू द पावर n है, मतलब आपने जो लॉग लेके रखा हुआ है वो a रेस्ट टू द पावर m का लेके रखा हुआ है, वो जो बेस है वो आपके पास b रेस्ट टू द पावर n है। जो बेस है वो क्या है, b रेस्ट टू द पावर n है। जैसे ये वाली जो प्रॉपर्टी आपने करी थी ना, पावर वाली प्रॉपर्टी, थर्ड नंबर वाली प्रॉपर्टी, तो आप क्या बोलते थे, जिसका लॉग लेके रखा हुआ है उसका आप मल्टीप्लीकेशन में लेके आ जाते थे, वो जो बेस b है ना, b की अगर कोई भी पावर रहेगी तो वो डिवीजन में आ जाएगी बेटा। बेस की जो भी पावर रहेगी, b की पावर n है यहाँ पे बेस में, तो बेस की पावर क्या आ जाएगी, बेस की पावर डिवीजन में आ जाएगी, और जो जिसका लॉग लेके रखा होगा उसकी पावर मल्टीप्लीकेशन में थर्ड प्रॉपर्टी लगी थी तो वो तो एज इट इज आ जाएगी, बस बेस की पावर डिवीजन में आएगी। ये भी आपको याद रखना है। इसका प्रूफ मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, इसका प्रूफ मैं अब आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए बेटा, इस पे क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है। तो मैं अभी के लिए आपको कुछ ऐसे होमवर्क लॉग में नहीं दे रहा हूं,
कि भाई पहले ये प्रॉपर्टी सारी अच्छे से याद कर लो ताकि हम क्वेश्चन करें तो कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंटली आप लोग सॉल्व कर पाओ, और सबके प्रूफ भी एक बार कर लो लॉग की बेसिक। बिल्कुल टीडब्ल्यूटी में आएगा ये। टीडब्ल्यूटी कब है आपका इसका? अब संडे पता नहीं क्यों इन्होंने इतनी जल्दी रखा हुआ है। टीडब्ल्यूटी किसका, इस चैप्टर का है? अरे यार ये पता नहीं इतना जल्दी क्या करेंगे, भगा क्या है? मैं तो आराम से करवाऊंगा बेटा, मैं जल्दी भगा दूंगा तो पूरे 2 साल आप। हाँ तो फिजिक्स के तो छोटे छोटे चैप्टर रहते हैं यार शुरू में, इतने बड़े चैप्टर नहीं होते। मैथ्स के बड़े बड़े चैप्टर हैं, और मैथ्स में मैं फास्टली स्किप कर दूंगा तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा आगे। सब जगह ये चीजें अप्लाई होने वाली, मॉड जैसे आपने पढ़ा हर जगह अप्लाई होने वाला है। मैं उसको फास्ट खींच लूंगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा, और लॉग फास्ट खींच लूंगा तो मतलब हर जगह मैथ्स के हर दूसरे क्वेश्चन में ये चीजें अप्लाई होने वाली। तो इफ आई एम टेकिंग इट फास्ट और मैं सारी चीजें नहीं अच्छे से कराऊंगा तो ये दिक्कतें आएंगी आपके पास, तो आई कैनॉट टेक दैट रिस्क। अब ठीक है थोड़ा सा देखेंगे, टीडब्ल्यूटी का आइडिया नहीं है मुझे। नहीं मैंने लेक्चर अब जानबूझ से अपलोड नहीं किए थे बेटा, लेट अपलोड किए बिकॉज आई वांट यू गाइस टू अटेंड द लेक्चर सीरियस। सपोज अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में होते तो क्या होता, वी कैनॉट मिस द लेक्चर राइट इन दैट केस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट द डिसिप्लिन इज। इसीलिए मैंने इस बार, मैंने सारी बैचेस के लेक्चर इस बार 3-4 दिन बाद में ही दिए हैं, इंटेंशनली दिए हैं लेट। वो देखेंगे लॉग आएगा मॉडुलस आएगा देखेंगे। चलो देन आई विल एंड द लेक्चर ऑन इन दोस इन दिस नोट, यू लर्न ऑल दिस प्रॉपर्टीज बेटा एंड द बेसिक डेफिनेशन।